फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर स्लीप। स्लीप यानी कि नींद, जो हम चैप्टर अपने पिछले सेशन में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी का आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर स्लीप। सो एज यू नो इन द लास्ट सेशन वी हैव रेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप, जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं उनको किसको कितनी नींद लगती है, सबका अलग होता है नींद के बारे में। और जो है इसी से जुड़े और हमने काफी सारी बातें पढ़ी। तो अब इसके आगे और क्या है आज पढ़ते हैं। देयर आर फाइव स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। एक स्लीप साइकिल होती है जिसमें कि पांच स्टेजेस यानी कि पांच अवस्थाएं होती हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। हर स्लीप साइकिल में कम से कम मतलब अबाउट 90 मिनट्स लगते हैं। 90 मिनट का टाइम होता है हर स्लीप साइकिल का। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 times ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो स्लीप साइकिल है ये 5 से 6 बार जो है रिपीट होती है रात को। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल अस्लीप बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। तो जो पहली और दूसरी स्टेज होती है नींद की, उसमें आप सोते हो लेकिन आपको बहुत ज्यादा गहरी नींद नहीं लगती उस समय। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। जो आपका तीसरा और चौथी स्टेज जो होती है, आपको उस समय डीप स्लीप लगती है यानी कि आप गहरी नींद में होते हो। और आपकी जो ब्रीदिंग है यानी कि सांस लेना है और हार्ट रेट जो है आपका वो स्लो डाउन हो जाता है, वो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। और आपकी बॉडी यानी बॉडी इज मोशनलेस, आपका जो शरीर है वो मोशनलेस हो जाता है यानी कि उसमें कोई चलन नहीं रह जाता। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। सो लास्टली इन फिफ्थ स्टेज वी ड्रीम। तो पांचवें स्टेज के दौरान हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो एक्टिव हो जाता है, वो सक्रिय होता है और आप जो है ड्रीम करते हो, आप सपना देखते हो। तो इस तरह से हमने देखा 5 stages है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टेज है उसमें आपको नींद लगती है, गहरी नींद नहीं होती है, ठीक है। फिर जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस होती है उसमें आप गहरी नींद में जाते हो। और जो फिफ्थ स्टेज होती है लास्टली, उसमें आप जो है ड्रीम्स देखना स्टार्ट करते हो। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM, REM। तो आप जो सपना देखते हो वो होती है स्टेज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप। तो ये एक स्टेज है स्लीप की, इस दौरान आप सपना देखते हो और इस स्टेज को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट और REM। ड्यूरिंग द REM योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। तो इस REM के दौरान यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आपकी जो आंखें हैं आपके आईलिड्स के अंदर बहुत तेजी से घूमती हैं। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 alternating phases। तो जो नॉर्मल स्लीप होती है, एक साधारण एक जो नींद होती है, वो उसमें 2 alternate phases होते हैं। ये अगर आपको याद होगा हमने अपने पिछले सेशन में फेजेस और साइकिल्स के बारे में पढ़ा भी था। तो 2 alternate phases होते हैं। Phase 1 involves no dreaming। तो पहली स्टेज में कोई ड्रीमिंग इन्वॉल्व नहीं होती, कोई सपना नहीं आता। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ये ज्यादातर जो है जो रात का पहला जो पार्ट होता है उसमें होता है। Phase 2 involves dreaming। और जो दूसरा फेज होता है वो उसमें ड्रीमिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें सपना देखना इन्वॉल्व होता है। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। और ये ज्यादातर जो फेज टू होता है इसमें जिसमें ड्रीमिंग होती है, ये लेटर पार्ट ऑफ नाइट में होता है यानी कि जो सेकेंड पार्ट होता है नाइट का उसमें होता है। और ये फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, अलग अलग पीरियड होता है टाइम का उसमें ये होता है। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज You will almost certainly remember your dreams। तो अगर आप इस फेज के दौरान उठते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, वो पूरी तरह से याद रहता है। ऐसा होता है, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, एक्सपीरियंस किया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी बनी है, एक बच्ची सो रही है इसकी। When we sleep, the bodily functions slow down। जब हम सोते हैं उस समय हमारे जो बॉडीली फंक्शन है, हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं सारी स्लो डाउन हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारा जो शरीर का जो तापमान है वो गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24-hour cycle ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स। तो ये क्यों होता है, बॉडी टेम्परेचर क्यों गिर जाता है?
ये इसका वजह ये है कि हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल, एक 24 घंटे की इसमें साइकिल चलती रहती है, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जिसमें कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता और घटता रहता है एट फिक्स टाइम्स. तो फिक्स टाइम्स होते हैं जिसमें कभी बढ़ता है कभी घटता है. तो इस वजह से ये जो सोने का समय है इसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है. नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून. तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो सबसे कम होता है आधी रात के समय, है ना, मिडिल ऑफ द नाइट में जब हम सो रहे होते हैं उस समय सबसे कम होता है, और हाईएस्ट इन द आफ्टरनून जब दोपहर का समय होता है उस समय शरीर का तापमान सबसे ज्यादा होता है. When you get enough sleep, you can pay attention better in school, be creative and think of new ideas, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along well with friends and family. यहाँ पे देखिए कितनी नई बात बताई जा रही है कि आपकी जब नींद अच्छे से होती है तो आपके क्या क्या उसके फायदे होते हैं. तो आप उससे पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, आप स्कूल में जो जाते हो तो उसमें अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हो और टीचर क्या पढ़ा रही है आप सुन सकते हो, समझ सकते हो अच्छी तरह से. बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, आप रचनात्मक हो सकते हो, ठीक है ना, और आप नए नए आइडियाज आपको आ सकते हैं अगर आपकी नींद अच्छी हुई है तो. फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, आप जो है सिकनेस किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकते हो ताकि आप जो है हेल्दी रहो, हमेशा स्वस्थ रहो. बी इन अ गुड मूड, आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है अगर आपकी नींद अच्छी हुई है. एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ और परिवार के साथ अच्छे से जो है घुल मिल जा सकते हो अगर आपकी नींद अच्छी हुई है. इफ यू डोंट गेट एनफ स्लीप यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस. और इसी तरह से अगर इसका उल्टा होता है, सपोज आपकी नींद अच्छे से नहीं होती, आप देर रात तक जागे, सुबह जल्दी उठ गए, नींद नहीं हुई, तो उससे क्या आपको नुकसान होंगे, तो आपको फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आपने जो लर्न किया है याद किया है वो आप भूल सकते हो. Have trouble making decisions. आप कोई निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, आप निर्णय लेने की क्षमता में आपको जो है उस पर असर पड़ सकता है. इसी तरह से बी इन अ बैड मूड, आपका मूड जो है वो बैड हो सकता है, खराब मूड में हो सकते हो. Have trouble playing games, have trouble listening to parents and teachers, and be less patient with friends, brothers and sisters. और इसी तरह से आप क्या होगा आपके साथ, आपका मूड खराब होगा, आप गेम्स जो है वो अच्छे से नहीं खेल पाओगे, और आपको आपके माता पिता की बात सुनने में, टीचर्स की बात सुनने में दिक्कत आएगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है पेशेंट नहीं हो पाओगे, यानी कि आप धैर्य के साथ उनकी बात नहीं सुनोगे, उनसे खेल नहीं पाओगे, और फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके भाई बहन हो, तो ये सारे नुकसान होंगे अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई है तो. समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग बट इफ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज डन. कभी कभी क्या होता है कि हर किसी को डिफिकल्टी होती है स्लीपिंग में, सोने में, है ना, सोने के समय कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर आप मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, एक दो घंटे की स्लीप अगर आप जो है आपकी कम होती है या नहीं होती है, नो हार्म इज डन, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता उससे. यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, हो सकता है कि आपको अगले दिन जो है टायर्ड, थकान महसूस हो या फिर इरिटेटिंग सा लगे, है ना, चिड़चिड़ापन हो, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन जो अपना शरीर है वो बहुत जल्दी ही इस लॉस को रिकवर कर लेता है. हाउएवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, लेकिन अगर आप हर रोज इस तरह का करो कि आप लेट सो रहे हो या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो फिर जरूर आपको नुकसान हो सकता है. यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, हो सकता है कि आप जल्दी ही आपका व्यवहार अजीब हो जाए. यू लूज द एबिलिटी टू कंसेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, क्या होगा आपके साथ, आपकी जो कंसेंट्रेट की, ध्यान केंद्रित करने की जो एबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा, वो आपकी चली जाएगी, और इसके साथ ही जजमेंट, कोई निर्णय लेना है तो उसमें भी आपको बाधा आएगी, आप वो भी नहीं कर पाओगे. यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स डीरेंज्ड, तो आपको अजीब अजीब सी चीजों का अनुभव होगा और आपका बिहेवियर जो है वो भी, आपका व्यवहार बहुत ही अजीब हो जाएगा अगर आप बार बार, आपके साथ ये चीज रिपीट होती है. नहीं, कहने का मतलब है कि अगर एक आध बार कभी हुआ कि एक दो घंटे की नींद कम पड़ गई तो बॉडी उसको हील कर लेती है, लेकिन अगर वो चीज आप डेली बेसिस पे करते हो तो वो हील नहीं होती और आपका व्यवहार में और आपकी कई सारी चीजों में वो चीज दिखने लगती है. तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे चैप्टर, नेक्स्ट सेशन में हम और आगे देखेंगे. आइए अब इसके
क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को देखते हैं. सो एज यू नो इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड थिंक एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 50 वर्ड्स. ओके सो वी विल कंटिन्यू दैट ओनली. व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स. पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम. तो अभी जो हमारा एक पैराग्राफ बाकी है ये क्वेश्चन उसमें से लिया गया है. इसमें कह रहे हैं कि ऑथर जो है यानी कि जो राइटर है वो क्यों स्लीपिंग पिल्स यानी कि जो नींद की गोलियां होती हैं उसको प्रिफर क्यों नहीं करता. ठीक है ना, उसके लिए मना क्यों कर रहा है. पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम. तो हमें लाइंस लेके बतानी है कि कौन सी लाइन से ऐसा पता चलता है कि उसको ये चीज पसंद नहीं है. स्लीपिंग पिल्स मेक पीपल एडिक्टेड टू देम. जो नींद की गोलियां हैं उससे लोग जो है उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसकी आदत लग जाती है. इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम्स देन स्लीप. तो आपकी नींद की प्रॉब्लम गोली लेने से ठीक हो सकती है कि आपको नींद लग जाए, लेकिन उससे कई और अलग अलग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं. सो द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स. तो इसलिए ऑथर जो है नींद की गोलियों को बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करता, उसके लिए वो सजेस्ट नहीं करता. द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम फ्रॉम द टेक्स्ट. तो जिस लाइन से हमें पता चलता है कि ऑथर ने इस बात के लिए मना किया है या फिर उसको ये पसंद नहीं है टेक्स्ट से, वो है is it is better to avoid them if we can. तो वो है कि अच्छा होगा कि अगर हम उस चीज को अवॉइड करें, निग्लेक्ट करें अगर हम कर सकते हैं तो. इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट. उससे बेहतर ये होगा कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको हम समझे और उसको दूर करने का प्रयत्न करें. ये लाइन है, इससे पता चलता है कि ऑथर जो है वो ये कहता है कि स्लीपिंग पिल्स हमें नहीं लेने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. मतलब कि क्या आपको कभी भी नींद से जुड़ी कुछ परेशानियां हुई है अपनी जीवन में. डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स. तो आपको डिस्कस करना है और बताना है कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या है, जो नींद के प्रॉब्लम्स है उनके क्या कारण हो सकते हैं. तो देखिए आंसर. यस वंस व्हेन आई वाज सिक आई हैड सीवियर हेडेक एंड आई कुड नॉट स्लीप टिल मिडनाइट. तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि हाँ एक बार जब मैं बीमार थी तो मुझे बहुत ज्यादा हेडेक यानी कि सर दर्द हुआ था और मैं आधी रात तक सो नहीं पाई थी. आई कैन नॉट स्लीप व्हेन आई हेयर लाउड नॉइज इन माय सराउंडिंग्स. मैं सो नहीं सकती या मैं सो नहीं सकता जब मुझे मेरे सराउंडिंग्स में मेरे चारों तरफ कहीं अगर लाउड नॉइज शोर की आवाज होती है तो मैं नहीं सो पाती. व्हेन इट्स टू हॉट और कोल्ड, जब बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी होती है. और व्हेन आई गो टू सम न्यू प्लेस, या फिर जब मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ तब भी मुझे नींद की प्रॉब्लम होती है. तो ये एक बेसिक सी चीजें मैंने यहाँ पे ली है जिसकी वजह से लोगों को नींद में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से नींद नहीं लगती किसी को. What are the consequences of regularly missing sleep for long periods of time? अगर long period के लिए लंबे समय तक अगर नींद नहीं आती है या नींद को लोग miss करते हैं तो उसके consequences यानी कि उसके जो है दुष्प्रभाव क्या होंगे. The consequences or results of regularly missing sleep for long periods of time are very bad. तो ये बहुत ही बुरे होते हैं, इसके प्रभाव दुष्प्रभाव होते हैं अगर हम बहुत लंबे समय तक नींद regularly ठीक से नहीं लेते तो. The affected person becomes abnormal. जो व्यक्ति इससे गुजर रहा होता है इस प्रॉब्लम से वो abnormal सा हो जाता है. He begins to behave strangely. वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है. His ability to concentrate on things or studies and his judgment ability gets impaired. तो उस व्यक्ति की जो है concentration यानी एकाग्र करने की क्षमता और on things चीजों को एकाग्र करने की क्षमता और स्टडीज या फिर पढ़ाई करने की क्षमता, पढ़ाई पे एकाग्रता की क्षमता एंड हिज जजमेंट और इसके साथ ही उसकी निर्णय लेने की क्षमता, इन सब पे ही जो है प्रभाव पड़ता है और ये दुष्प्रभाव होते हैं इन सब के नींद ना पूरी होने के. अब देखिए वर्ड स्टडी से एक एक्सरसाइज ली है हमने. यूज द क्लूज एंड फाइंड द वर्ड्स कनेक्टेड विद स्लीप. तो बेसिकली अगर हम जब बुक देखेंगे तो उसमें एक क्रॉसवर्ड पजल टाइप है, तो उसमें से ये लिया गया है. देखिए नींद से स्लीप से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं उन वर्ड्स को हमने यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्लूज दिए हैं. और वर्ड्स देखिए, हैपनिंग बाय टर्न्स, फर्स्ट वन एंड देन द अदर, यानी कि टर्न बाय टर्न जो होता है पहले एक फिर दूसरा, तो उसको बोलते हैं साइकिल. सेकेंड इज ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल को हम क्या बोलेंगे, एल्डरली. स्टेट ऑफ बींग सैड और ग्लूमी, यानी कि जब आप दुखी हो जाते हो उस स्टेट को, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, वरी. वीकेंड यानी एम्पेयर्ड, यानी जो चीज कमजोर पड़ जाती है.
एबनॉर्मल को डीरेंज्ड बोलते हैं एंड यूज्ड टू मींस एडिक्ट. यूज्ड टू के लिए जो वर्ड यूज हुआ है इस टेक्स्ट में वो है एडिक्ट. तो ये वर्ड स्टडी से हमने कुछ वर्ड्स लिए. अब देखिए कंपोजिशन पार्ट है जो हमारा, उसमें राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप. तो हमें 100 शब्दों में इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. तो देखिए, अ साउंड माइंड रेस्ट इन अ साउंड बॉडी एंड साउंड स्लीप गिव्स अस बोथ. एक साउंड, देखिए साउंड आप सोचेंगे कि साउंड का मतलब तो क्या होता है, आवाज होती है. लेकिन जब हम साउंड स्लीप बोलते हैं यानी कि अच्छी स्लीप, तो यहाँ पे जो साउंड वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है अच्छा, बढ़िया. तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि एक साउंड माइंड यानी कि जो हमारा एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है, रेस्ट इन अ साउंड बॉडी, वो एक अच्छे शरीर में रेस्ट करता है, आराम करता है. एंड साउंड स्लीप गिव्स अस बोथ. और जब हमारी नींद अच्छी होती है तो ये हमें दोनों चीजें मिलती है, यानी कि हमारी एक अच्छा मस्तिष्क और अच्छा शरीर. द पर्सन हु एंजॉयज साउंड स्लीप इज अ हैप्पी पर्सन ऑन द अर्थ. जिस व्यक्ति को एक अच्छी नींद आती है वो एक बहुत खुश व्यक्ति होता है इस धरती पे. इट हेल्प्स अस टू बिकम फ्रेश एंड एनर्जेटिक. जब हमारी नींद अच्छी होती है तो वो हमारी मदद करती है हमारी बिकम फ्रेश, ताकि हम अच्छे से फ्रेश हो सके और एनर्जेटिक, हमें एनर्जी ऊर्जा भर सके. हैविंग अ साउंड स्लीप वी कैन कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज बेटर. अगर हमारी नींद अच्छी हुई है तो हम अपनी स्टडीज पे, पढ़ाई पे अच्छी तरह से ध्यान एकाग्र कर सकते हैं. देन वी कैन गेट गुड मूड एंड गेट अलोंग वेल विद आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली मेंबर्स. तो तब जब हमारी नींद अच्छी पूरी होती है तब हम एक अच्छे मूड में होते हैं और हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सबके साथ हम बहुत ही अच्छे से मिक्स हो सकते हैं और अच्छे से रहते हैं. साउंड स्लीप इज अ बून फॉर अस. तो साउंड स्लीप जो है एक अच्छी नींद हमारे लिए एक वरदान है. बून का मतलब क्या है, वरदान. इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये हम सबके लिए बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है. तो इस तरह से आपने देखा कि हम 100 वर्ड्स में पैराग्राफ इस तरह से लिख सकते हैं. तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने चैप्टर से कई सारी चीजें और नींद के बारे में सीखी कि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है नींद की. अगर हम अच्छे से स्लीप करते हैं, नींद हमारी होती है, तो हमारे बॉडीली फंक्शंस भी अच्छे से चलते हैं और हम हमेशा फ्रेश एनर्जेटिक रहते हैं. तो ये आज जो हमने एक्सरसाइज पार्ट पढ़ी और जितना भी पढ़ा इसको आप और अच्छे से पढ़िए. वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.